डॉक्टर साहब आंखों के विशेषज्ञ हैं और उनकी अपनी आंखें बिल्कुल दुरुस्त दिख रही हैं, ऐसा प्रेशर रहता है? नहीं, हमारे में तो कई बार ऐसा प्रेशर होता है, लोग आके कहते हैं कि हम तो सोचते थे कि आप बहुत बुजुर्ग दिख रहे होंगे मगर आप जवान दिखते हैं। तो अगर आई स्पेशलिस्ट को देखा जाए एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आई स्पेशलिस्ट ने अपनी आंख के ऊपर लेसिक कराया चश्मा उतरवाने के लिए। इंटरेस्टिंग। आप ये सर जी बता रहे थे ये तीन तरह की तरीके होते हैं, स्माइल, सिल्क और ज़ायोप्टिक्स। जी, क्या होता है सर ये तीनों? आप लेजर के उपयोग से कॉर्निया की शेप को परमानेंटली चेंज कर देते हैं। उससे व्यक्ति को अगर माइनस का नंबर हो या प्लस का नंबर हो या सिलिंड्रिकल पावर हो, वो तीनों पावर्स उतर सकती हैं। थोड़ा आम भाषा में हमारे सब दर्शकों को बता दीजिए मायोपिया क्या होता है। मायोपिया एक प्रकार का दृष्टि दोष है, यानी कि आपकी दृष्टि या जो विजन है वो कमजोर है। अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारी आज की प्रेजेंट जनरेशन है, आप दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं, उससे मायोपिया का इंसिडेंस एवरी ईयर 2-3% बढ़ रहा है। ज्यादा टीवी ना देखो आंखें खराब हो जाएंगी। पर जिन लोगों का काम ही ऐसा है, मान लीजिए कोई कोडिंग कर रहा है, सॉफ्टवेयर का काम कर रहा है, तो सबसे पहले तो एक 20-20-20 रूल होता है, जो कि हर 20 मिनट यदि आप काम कर रहे हैं टेलीविजन या किसी चीज के ऊपर, तो 20 मिनट के बाद आप कम से कम 20 बार पूरी झपके लें। देन यू लुक एट अ डिस्टेंस, यू लुक एट अ डिस्टेंस सो दैट योर आई रिलैक्सेस। गाजर खाने से सही में आंखें बहुत अच्छी हो जाती है। मोतियाबिंद कैटरेक्ट, ये ना हो क्या ये मुमकिन है? इंडिया में लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस जो है वो है कैटरेक्ट। एक सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट मैं दूंगा, गिवन अ लॉन्ग इनफ लाइफ ऑल ऑफ अस विल डेवलप अ कैटरेक्ट। बच्चों को भी कैटरेक्ट हो सकता है, पैदाइशी हो सकता है। अगेन द यंगेस्ट चाइल्ड आई हैव ऑपरेटेड फॉर कैटरेक्ट व्हिच इज इन द लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इज 27 डेज। डायबिटिक रेटिनोपैथी, जी ये क्या है? तो डायबिटीज में पर्दे के ऊपर जो हानिकारक इफेक्ट हो रहा है रेटिना के ऊपर, उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहा जाता है। तो हर व्यक्ति जिसको शुगर जब भी पता चलती है, उस व्यक्ति को अपनी आंख का पर्दा हर हालत में चेक कराना चाहिए। काजल को लेके बड़ी बातें होती हैं, जी है ना, कि घी में पगा हुआ, इसमें पगा हुआ, उसमें पगा हुआ, क्या असर होता है इसका? असर तो खराब ही होता है एक्चुअली, काजल से कोई फायदा नहीं होता। काजल के जो आप जो पेंसिल या जिस चीज से आप लगा रहे हैं उससे ट्रकोमा होता था। और छोटे बच्चों को जो गांव देहात में काजल लगा देते हैं वो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए? लगाते नहीं है। और जो हमारा ट्रकोमा का इंसिडेंस आज की तारीख में इंडिया में कम हुआ है, वो काजल का जो चलन घटा है उससे। एक त्राटक ध्यान होता है डॉक्टर साहब, जिसमें हम लॉ को देखते हैं, उनसे भी बड़ी मदद मिलती है? उनसे मदद मिलती है, मतलब लॉ से तो मैं इतना नहीं कह सकता, बट एक सिंपल सी एक्सरसाइज होती है, पेंसिल या पेन की टिप लेके आप उसको अपने करीब लाइए। हाँ, ये भी करवाते हैं उसमें, पास ले जाओ, ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, तो उससे जो आपका जहाँ पे मतलब जो आंख का मसल्स का जो अकोमोडेटिव पावर होती है, जहाँ पे ये डबल हो वहाँ उसको रोक के ट्राई टू फ्यूज इट इनटू वन इमेज। कुल मिला के बात ये है कि जिस अपने अंग से पूरी दुनिया निहार रहे हो, लुत्फ ले रहे हो, किसी से प्रेम कर रहे हो, किसी को नाराजगी में देख रहे हो, खा रहे हो तो देख रहे हो, है ना, तो उस अंग का, उस आंख का बहुत ख्याल रखना है।